बाइबल में लिखा जब शद्रक मेशक और अबदनगो दानियल में लिखा है जब राजा ने एक मूर्ति बनवाई और बोला इसके आगे झुक जाओ उसने कहा हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं राजा हम हाथ के बनाए बुतों के सामने नहीं झुकेंगे राजा ने सारे अधिकारियों को सबको आज्ञा दी यदि कोई एक महीना इनके आगे ना चुका तो जीवित जला दिया जाएगा वो आग के भट्टे में गेर दिया जाएगा लेकिन बाइबल में लिखा उन्होंने क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी ने परमेश्वर की आज्ञा पे हय्याब बांध के प्रार्थना में लगे रहे जब राजा ने कहा अभी भी एक मौका देता हूं हाथ की पत्थर की मूर्ति के आगे झुक जाओ उसने कहा नहीं राजा हम जीवित परमेश्वर जिसने आसमान और जमीन को बनाया है जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है हम उस खुदावन की आराधना करते हैं हम तेरी हाथ के पुत के आगे कभी नहीं झुकेंगे और बाइबल में लिखा है राजा को गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मुंह पे मना किया बोलते इनको आग की भट्टी में डाल दो और उस आग की भट्टी को जितनी वो गर्म है उससे 7 गुना और धक्का दो बाइबल में लिखा है वो डरे नहीं उन्होंने कहा हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है अगर ना भी छुड़ाए तो वो ही हमारा परमेश्वर रहेगा जिन लोगों ने अपने जीवन दांव पे लगाए हैं अपनी खुशियां अपने हर एक चीज और विश्वास में खड़े रहे आज अनंत अनंत काल तक वो लोग याद किए जाएंगे बाइबल में लिखा है राजा कहता अभी भी देख लो राजा 7 गुना और धक्का दे कोई प्रॉब्लम नहीं हम जानते हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है लेकिन ना भी छुड़ाए ना भी दे ना भी करे तो भी वो मेरा परमेश्वर है और बाइबल में लिखा है जब उन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया गया राजा सुबह उठ के आता वो देखता है उस आग की भट्टी में बाइबल में लिखा है उसमें 3 नहीं वो पूछता है सैनिकों से कितने बंदे डाले थे आग में वो कहता राजा 3 कहता ध्यान से देखो फिर से कहता राजा 3 कहता मैं 4 को देख रहा हूं और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र की तरह है विश्वास में अड़े और खड़े रहते हो खुदावंद उतर आता है आपको छुड़ाने के लिए आपको बचाने के लिए लेकिन आज के मसीह लोग सत्रक मेशक की तरह नहीं है हम छोटा सा काम डिले हो जाए हम कहते प्रभु ने किया ही क्या है मेरे लिए और भूल जाते कि किस नरक से प्रभु ने हमें निकाला होगा आप जरा सी देरी हो जाए प्रॉब्लम में से निकलना पड़े जाए कहते है भी कि नहीं ऊपर हमारा विश्वास टकमगा जाता है और हम बातें करते हैं थोड़े विश्वासी अगर वो विश्वास चाहिए अंदर अपने आप का इनकार करो यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले जब तक तू अपने प्राणों को से बढ़ के मुझे प्रेम ना करे तू मेरे योग्य नहीं है Hallelujah!